Good morning, dear students. This is the second part of the lesson first. And in this lesson, we will discuss about the how animal eat. You can see here how animal eat. जो different animal हैं, वो कैसे खाते हैं? पिछले वीडियो में हमने discuss किया था how many kind of animal are exist on the earth. That was the herbivore, carnivore, and the omnivore. So in this video, we will discuss how दे ईट यानी हम वो एनिमल्स जो है कैसे खाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अबाउट द नॉवर्स. नॉवर्स के बारे में देखें. नॉवर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? वो एनिमल जो किसी भी फूड को बाइट करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े में नॉ कर देते हैं. नॉ मतलब GNAW. तो प्रोनाउंसिएशन है वो नॉ है, लेकिन स्पेलिंग आपकी डिफरेंट है थोड़ी. तो नॉ, GNAW, नॉ, इसका मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़े में उसको उतार डाल. तो आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा कि जो रैट्स होते हैं, जो चूहे होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी कपड़े को या किसी भी सामान को बहुत छोटे छोटे पीसेस में क्या कर जाते हैं, उतार डालते हैं. तो वो आपके नॉवर्स में आते हैं. तो इस तरह से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं स्क्वेरस, जो आपके आस पास में आपने अपने नेबरहुड में स्क्वेरस देखे होंगे. तो स्क्वेरस क्या करती है, वो कभी आप उनको खाते हुए देखेगा, वो किसी भी फूड को लेंगे या किसी खाने वाली चीज को लेंगे तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर देंगे, उतर डालेंगे. इसी तरह से रैबिट्स भी करते हैं और इसी तरह से रैट भी करते हैं. तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द नॉवर्स. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज एनिमल दैट फॉलो देयर फूड कोड. यानी वो एनिमल जो अपने फूड को कम्प्लीटली क्या कर जाते हैं, निगल जाते हैं. यानी उनको वो जैसे मुंह पे डालते हैं उसको निगल जाते हैं. आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग अपने जो भी उसको जो भी चीजें वो खाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने टंग्स को बाहर निकालता है और उसको कंप्लीट अंदर कर लेता है, यानी उसको खींच लेता है. तो इस तरह से हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फ्रॉग है, चमेलियन है और लिजार्ड है. तो ये तीनों ही क्या करते हैं, अपने फूड को क्या करते हैं, उसको निगल जाते हैं. नाउ थर्ड इज दैट द एनिमल दैट टियर एंड चू फ्लैश. कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो अपने फूड को क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा टियर, मतलब तो उसको टियर करते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं, तब वो उसको खाते हैं. जैसे कि टियर करना है सबसे फर्स्ट आप अगर इसमें की वर्ड देखें तो टियर करना. तो टियर करने का मतलब कि लायन होगा, वो टाइगर होगा, जिसके पास कुछ इस टाइप की टीथ होती है, जिससे कि हुक टाइप की टीथ होती है, जिससे कि वो क्या करता है, वो फ्लैश को खींच लेता है, यानी टियर करता था, फाड़ देता है और फिर उसको चबा करके खाता है. तो ऐसे एनिमल्स हमने जनरली कार्निवोरस एनिमल में आएंगे, जैसे लायन, टाइगर एंड वॉल्स आर द एग्जांपल ऑफ द एनिमल दैट टियर एंड च्यू फ्लैश. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एनिमल्स दैट ईट एंड च्यू ग्रास. यानी वो एनिमल जो ग्रास खाते हैं, जो घास खाते हैं. तो घास को चबाने वाले के जो अगर आप टीथ देखेंगे तो टीथ उनका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टीथ होगा, फ्लैट होगा, फ्लैट और ब्रॉड टीथ होगा. जो फ्रंट टीथ होंगे उसके उस फ्लैट होंगे और ब्रॉड होंगे, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, जो घास होती है उसको खाता है. तो ऐसे एग्जांपल आप देख सकते हैं काउस एंड बुफेलो का. काउस, बुफेलो, सीप, गोट, ये सारे आपके इस वाले में आ जाएंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एनिमल दैट टेक इन लिक्विड फूड. यानी वो एनिमल जो लिक्विड फूड खाते हैं, यानी कि जो मतलब जो कोई फ्लैश नहीं खा रहा है या फिर जो कोई प्लांट की लीफ नहीं खा रहा है, वो क्या खा रहा है, वो लिक्विड फूड खा रहा है. जैसे कि आपका मॉस्किटोज हो गया और जैसे कि आपका ये बटरफ्लाई हो गई. तो बटरफ्लाई और मॉस्किटोज बाकी सारे एनिमल्स से डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि वो लिक्विड फूड खाते हैं. तो मॉस्किटोज होता है उसके पास एक ट्यूब होती है, होलो ट्यूब होती है, जिसकी जिसको वो हम स्किन में किसी भी एनिमल पे जब जब उसका वो ब्लड सक करता है तो वो उसको अपना जो होलो ट्यूब होता है उसको अंदर तक घुसा देता है और उसमें से ब्लड उसको सक करता है. इसी तरह से अपनी बटरफ्लाई भी करती है. बटरफ्लाई जब भी कोई नेक्टर लेती है प्लांट फ्लावर से तो वो अपने होलो ट्यूब का यूज करती है. तो इन दिस वे वी हैव डिस्कस अबाउट दिस काइंड ऑफ दिस ऑल काइंड ऑफ द एनिमल्स एंड वी सॉ दैट हाउ दे ईट. फर्स्ट वी हैव सॉ दैट नॉवर्स Squirrels, rabbits, and rats. Now, second was the animals that swallow their food whole. The example are frogs, chameleon, and lizards.
completed our lesson first. Thank you, students.